इंडियन कल्चर है कि हर एक ओकेशन, हर एक फेस्टिवल पे हम फ्रेंड्स फैमिली साथ मिलते हैं, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और वो एक ही दिन, मतलब वो दिन मिलता है हमें हमारे फ्रेंड्स से मिलने का, फैमिली से मिलने का, एक साथ आने का. सो मैं चाहती हूँ इस साल मैं अपने घर जाऊँ. जैसे हमें छुट्टी मिलती है तो मैं अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ, अपने फैमिली फ्रेंड्स से मिलूँगी. एंड दैट्स द वे आई वांट टू सेलिब्रेट माय दिवाली. मेरी मम्मा ने मुझे आज सुबह फ़ोन करके बोला, बेटा घर आ जाओ, मैं आपके लिए पूरनपोली बनाती हूँ. हम महाराष्ट्रंस में पूरनपोली बहुत बनती है, हर ओकेशन हर फेस्टिवल पे पूरनपोली होती है. जैसे गणपति में थी, इस साल भी है, तो इस साल मम्मा दिवाली पे पूरनपोली बना रही है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो होम. एंड मम्मा सेड कि मैं मोदक भी बनाऊँगी, सो मोदक और पूरनपोली तो मुझे इस साल मिली. आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज शूट की वजह से ना हम फैमिली से नहीं मिल पाते, टाइम नहीं मिलता है, घर वालों से ढंग से बात नहीं हो पाती है. सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने घर वालों से मिलूँगी, अपने दोस्तों से मिलूँगी. सो आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद देम, दैट्स इट. मेरा मेन मोटिव ये है कि मुझे उन सबके साथ टाइम स्पेंड करना है. जो मुझे पूरा एक दिन का टाइम मिलेगा, मैं उनके साथ पूरा दिन स्पेंड करने वाली हूँ. एंड आई वॉज इन स्टैंडर्ड 7th, आई गेस मैं 7th स्टैंडर्ड में रहूँगी, 5th स्टैंडर्ड, आई रिमेंबर आई वॉज अ किड. तो तब पटाखे जलाते थे हम, एंड गलती से एक रॉकेट मेरे फ्रॉक के अंदर चला गया था. आई वॉज वेरी स्मॉल, आई वॉज वेरी स्मॉल. तो तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, कुछ हुआ नहीं मुझे, बट मैं कुछ ज़्यादा ही डर गई थी. और तब से लेके आज तक मैंने कभी पटाखे नहीं जलाए, सो मुझे बहुत डर लगता है. तो वो एक याद है, मतलब वो एक मेमोरी है जो मैं कभी नहीं भूल सकती. और मैं यही कहूँगी गाइस, प्लीज़ प्ले सेफ, बिकॉज आप सब करो, एंजॉय करो, बट कोशिश करना कि आपको और आपके जो भी आसपास हो किसी को भी तकलीफ ना हो. हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. प्ले सेफ, हैव फन, एंड आई लव यू गाइज़.